अरे भाई, चिराग ने मार दिया माँ की आंख। आई एम सॉरी बाबू। तो फिलहाल का सीन ऐसा है कि यार काफ़ी ज़्यादा ही हैकर्स आ रहे हैं। एक मैच में मैं जितना प्लस करता हूँ, दूसरे मैच में कोई ना कोई हैकर उससे ज़्यादा माइनस लगवा देता है। एंड अभी भी अपना रैंक एक तरीके से यार आप बोल सकते हो नंबर वन पे चल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला बंदा हैकर है उसको काउंट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। एंड एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यूट्यूब में मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें लोग बोल रहे थे कि यार लार्ज जोन में मैं टीम अप करके खेलता हूँ। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड अगर लास्ट के जोन में कोई भी बंदा मेरे सामने जंप करता है, भले वो मेरा सब्सक्राइबर हो या ना हो, मैं उस बंदे को कभी नहीं मारता हूँ। एंड मेरे सामने भाई लार्ज जोन में बंदे जंप इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको भी पता है मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं मारता। एंड अगर कोई तीसरा बंदा बचा भी हो तो मीटअप वाले बंदे को मैं पहले बोल देता हूँ, भाई तुम बिल्कुल भी उस बंदे से फाइट मत लेना। तो बस यार इतनी सी बात है, कुछ भी फालतू की वीडियोज बना के हेट मत फैलाया करो, एक बार मेरा पीओवी सामने से देख लिया करो। बाकी चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो, वीडियो पूरे एंड तक देखना, अगर आपको लगता है मैं डिजर्व करता हूँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। एंड आज वाले गेम प्लेस की बात करूँ तो यार आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज अपने गेम में एक और यूट्यूब आ रखा था जो कि लास्ट सीजन स्क्वाड की रैंकिंग में नंबर वन पे था। एंड अभी करंट सीजन में ये बंदा ट्रिपल कॉन्कर है, तो यार ये भाई भी काफी बढ़िया खेलता है, इस भाई के साथ अपनी फाइट भी होती है। अभी के लिए ये वाला शेक जोन के अंदर था, यहाँ पे मैं आके रुकना, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे अपने जो लेफ्ट साइड में शेक था वहाँ से एक बंदा स्कारल चला रहा था, एंड अपने राइट साइड में शेक था वहाँ पे भी पहले से एक गाड़ी थी। तभी सामने साइड से मेरे को गन साउंड आता है, पहले मेरे को लगा बग्गी में शायद से दो बंदे टीम अप करके खेल रहे हैं, लेकिन ये बंदा एक सीट चेंज करके मारने का ट्राई कर रहा था। अब यहाँ पे आप किल फीड नोटिस करना, अब जो लेफ्ट साइड में शेक वाला बंदा था, ये बंदा बग्गी वाले बंदे को स्कारल से गिरा देता है, तो ये बंदे का आप नाम याद रखना। तो अभी नीचे वाली साइड से अभी एक और गाड़ी आती है, अब यहाँ पे वापस से किल फीड नोटिस करो, गाड़ी वाला बंदा तो बच के निकल जाता है, लेकिन जो राइट साइड में शेक वाला बंदा था, लेफ्ट साइड वाले शेक वाले बंदे को फिनिश कर देता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमेशा आप किल फीड पे नोटिस किया करो, ये आपको काफ़ी फायदा दिला सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता था बाई चांस अगर जोन अगले वाले शेक पे शिफ्ट होगा तो यार वो वाला शेक ऑलरेडी खाली है, मैं वहाँ पे जाके होल्ड कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए ये वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है, तभी जो राइट साइड में शेक वाला बंदा था बग्गी लेके निकलता है, अब ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, लेकिन यार बंदा बच के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखना ये बंदा क्या गलती करेगा, इस बंदे को भी पता था सामने वाले शेक पे कोई बंदा नहीं है। बंदा सामने वाले शेक पे आके रुकता है, लेकिन यार बंदा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लो था, इजी फिनिश हो गया। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, राइट साइड काफ़ी ज़्यादा दूर से कोई बंदा तो यार मेरी बग्गी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एंड ये वाला बंदा यहाँ पे एकदम ओपन में लेट रखा था, इसी बंदे को फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए जो सामने साइड पे शेक था, मेरे को पता था जोन के अंदर तो नहीं है, लेकिन जोन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, तो मैं सोच रहा था वहीं पे जाके होल्ड करता हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे को जोन में एंटर करने में ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं होगी। ये गाड़ी वाला बंदा भी आई गेस पहले से काफ़ी लो था, इजी फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए मैं बग्गी निकाल के सामने वाले शैक पे चलता हूँ। एंड अभी यहाँ पे स्मोक करके ये बंदे की पेटी से थोड़े बहुत लूट मैं कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए ये वाला जोन भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, एंड अभी अपने आसपास काफ़ी बंदों की फाइट भी चल रही थी, एंड अपने आसपास से अभी काफ़ी बंदे गाड़ी लेके भी जा रहे थे। एंड मेरे को भी यहाँ पे हल्का सा जोन के अंदर तो जाना था, लेकिन मैं सोचा था एकदम लास्ट में जोन के अंदर एंट्री लूँगा, ताकि यार जोन के बाहर से कोई बंदा आके मेरे को दिक्कत ना दे। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी जोन ये वाले एरिया पे आके बन गया था, उतने में अपने सामने वाली साइड पे अभी मेरे को एक और डाइस या रुकने का साउंड आता है।
तो सामने वाली साइड पे एक मैं रैंडम स्मोक कर देता हूँ ताकि ये बंदा सामने पत्थर पे आने का ट्राई ना करे, क्योंकि वहाँ से वो बंदा इजी मेरे को मार सकता था। एंड तभी राइट साइड में भी एक बंदा बग्गी लेके कहीं पे तो रुक जाता है। एंड यहाँ पे अभी जब मैं कैफी नोटिस करता हूँ तो मेरे को पता चलता है भाई अपने मैच में एक और यूट्यूबर आ रखा है। अब ये वाली जगह पे मैं काफी ज्यादा ओपन में था तो डर मेरे को ये लग रहा था कि कहीं बंदा कोई ऊपर या नीचे से मेरे को मार ना ले। तभी सामने वाली साइड पे एक मेरे को बंदा स्पॉट होता है। एंड अभी सामने वही बंदे को नेट से जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा था वही बंदा फिनिश कर देता है। तो अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया था ये वाला बंदा अपने सामने कहीं पे है, लेकिन अभी भी अपने को छोड़ के यहाँ पे टोटल 3 बंदे लाइव है। एक बंदा मेरे को पता था लेफ्ट साइड में, तभी दूसरा बंदा राइट साइड से फायर करता है। एंड अभी लेफ्ट साइड में मेरा ध्यान जाता है तो बंदा सामने साइड पे स्मोक कर रहा था, मेरे को लगा बंदा मे भी निकलने वाला है, लेकिन सामने वाला बंदा बीवी के लिए भी यहाँ पे जोन के अंदर सब दिक्कत वाली बात ही हो जाती है। इसके बाद वाला जोन अपने से शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे राइट साइड वाला बंदा हल्का सा मेरे को स्पॉट होता है, लेकिन ये वाले बंदे पे मैं फिलहाल के लिए फायर नहीं करता क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी जोन के अंदर था। अगर मैं यहाँ से फायर करके मिस करता फिर वो बंदा मेरे को बिल्कुल भी जोन के अंदर नहीं आने देता। उतने में जो लेफ्ट साइड में बंदा था ये बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है एंड मेरे ऊपर शॉट्स लेता है। और पहले तो मैं जल्दी से हील लगाता हूँ, इसके बाद मैं पहले राइट साइड में जाके स्मोक कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जोन के अंदर राइट साइड में जाना, तो ये वाला बंदा मेरे पे शॉट्स ना ले पाए। इस बंदे का व्यू ब्लॉक करने के लिए मैं स्मोक कर देता हूँ, लेकिन अभी लेफ्ट साइड वाले बंदे को भी जोन के अंदर आना है ये चीज़ मेरे को बताया तो थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, मैं बग्गी वाले बंदे पे शॉट्स ले रहा था, उतने में कोई तीसरा बंदा मेरे को MG3 से काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। एंड यहाँ पे ये भाई की थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी, फिलहाल के लिए मेरे को भी बग्गी उठा के जोन के अंदर आना है। जैसे ही मैं जोन के अंदर आता हूँ ये वाला बंदा जंप कर रहा था, मैं समझ जाता हूँ अपना सब्सक्राइबर ही है, लेकिन तभी सामने वाली साइड से तीसरा बंदा शॉर्ट्स लेने लग जाता है। हेलो 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 भाई। अब यहाँ पे मैंने हील भी नहीं किया था ना ही मेरे को सामने वाला बंदा स्पॉट हुआ था, लेकिन मेरे को डर ये लग रहा था कि यार सामने वाला बंदा कहीं अपने सब्सक्राइबर को नहीं मार दे, तो मैं अंदर उठ के फायर करता हूँ एंड लकीली बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। हेलो यार भाई क्या हाल चाल है भाई? भाई बहुत बार मैच में आए पर मैच ही नहीं हुई, लास्ट में मर जाता हूँ किसी न किसी से भाई, हैकर ही बहुत आते हैं। मेरा भाई वैम्पायर है गेम में, वैसे शिव है। 2 दिन पहले भी मैच में आया था भाई, मैं मेरे को लगा आप हो घर में, मैंने ना जंप करा दीवार के अंदर चला गया बंदा भाई मर गया मैं। टकरा भी रहा हूँ भाई बहुत बार मैच में, आए बार लास्ट तक रहता ही नहीं, देखता हूँ मेरे भाई। अभी 16 में है वो होने लगा है इस मास्टर, अभी कम खेलता हूँ भाई मैं ना इसमें, तो डिवाइस थोड़ा लग ही था ना, अब न्यू डिवाइस इसमें करेंगे। फैक्ट्री बहुत आते हैं वीडियो देखता हूँ भाई मैं। कर लो भाई चिकन ले लो चिकन। अब यहाँ पे ये भाई बोलता है भाई चिकन ले लो, तो मैं पूछता हूँ भाई बताओ किस चीज से आपको मरना है, पैन से मरना है M4 से मरना है, तो भाई बोलता भाई M4 से मारो, M4 से मारो भाई। तो वैम्पायर भाई को एक बड़ा वाला शाउट आउट 25+ लग गए। एंड यहाँ पे जैसा कि आपने ऑल पे सुना होगा ये भाई को #2 पे 25 पॉइंट्स का प्लस मिला एंड मेरे को #1 पे 13 पॉइंट्स का प्लस मिला। फिलहाल के लिए चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। तो ये वाले मैच में अभी लास्ट वाले जोन यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट वाली साइड पे बने, तो अभी जस्ट यहाँ पे मैं जोन के अंदर आता हूँ। पीछे वाली साइड से एक बंदा ग्रोजर से शॉट लिया था, लेकिन यार ऐसे कभी भी ओपन में रुक के किसी बंदे से फाइट लेने का ट्राई मत किया करो, खास करके लास्ट वाले जोन से, क्योंकि कोई भी तीसरा बंदा आपको इजी फिनिश कर सकता है। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी जोन भी इसके बाद वाला ये एरिया पे बन जाता है, ये वाला शायद कभी के लिए जोन के अंदर भी था तो यहीं पर आके मैं रुक जाता हूँ। ये वाले मैच में अपने पास कार 98+8x था। सामने वाले कंपाउंड में एक बंदा मेरे को लगा ओपन में, लेकिन वो बंदा ग्लिच से मेरे को दिख रहा था, बंदा कवर के अंदर था।
अब मैं सोचा था ये वाले बंदे को मारने का ट्राई करूँ, लेकिन ये बंदा भाई जब सामने से एम जी थी चलाता तो मैं सोचा भाई इस बंदे को पीक देने का कोई फ़ायदा नहीं, अपनी बेटी बनेगी। तभी सामने वाली साइड पे मेरा ध्यान जाता है, मेरे को स्मोक दिखता है, ये बग्गी वाला बंदा भी पीछे साइड पे पत्थर के कवर में भी निकल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे जोन स्टार्ट हो चुका था, बंदे को जोन के अंदर आना है। अब यहाँ पे मेरे को लगा शायद से बंदा बग्गी में बैठता है, मैं शॉट भी लेता हूँ, लेकिन बंदा पता नहीं कैसे बच जाता है। अब ये बंदा सामने वाले पेड़ के ओर में आ चुका था। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी, अभी के लिए ये वाला जोन भी अपने ऊपर ही बन गया था। एंड फिलहाल के लिए मेरा ध्यान सिर्फ सामने वाले बंदे पे था। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि यार बंदा एक जगह पे रुके तो इसको मैं एक हेडशॉट दूं, लेकिन ऐसा भाई कुछ होता ही नहीं है। सामने वाले बंदे को मैं देख ही रहा था, तभी मेरे को राइट साइड से एक डासिया का साउंड आता है। ये वाले बंदे को तो फिनिश कर दिया, लेकिन अभी मेरे ऊपर दो बंदों के शॉट्स आते हैं। एक बंदा तो अपार्टमेंट वाली साइड से शॉट लिया था एंड एक बंदा ऊपर ही कहीं से शॉट्स लेता है। अब ये वाले बंदे को मैंने काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन बंदा लकीली बच जाता है। लेकिन अभी सामने वाले बंदे को जोन के अंदर तो आना ही है। पहले मैं सोचता हूँ ऊपर में जाके इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरे बंदे भी मेरे को मार सकते हैं, तो मैं सोचा अंदर से इस बंदे पे नेड करने का ट्राई करते हैं। ये वाला बंदा तो यहाँ पे इजी नेट से फिनिश हो गया, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात थी, इसके बाद वाला जोन अपने से दूर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन पहले इस डासिया वाले बंदे को फिनिश किया था, ये वाले बंदे के पास ग्रोजा थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा बहुत स्मोक करके ये बंदे की पेटी लूट लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लूट कर ही रहा था, तभी राइट साइड से भी एक बंदा अपनी गाड़ियों को डैमेज करने लग जाता है। एंड इस बंदे को भी यार जोन के अंदर आना था, फिर भी पता नहीं मेरी गाड़ी को डैमेज कर रहा था। तो पहले तो इस बंदे की बग्गी का मैं टायर फोड़ता हूँ। मैंने बोला भाई मेरा तो जोन में जाना टफ है, लेकिन मैं तेरे को भी ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पे जोन भी स्टार्ट होने वाला था, बग्गी का टायर तो फूट रखा था। एक बार के लिए मैंने सोचा डासिया निकालने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार डासिया पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं जोन के अंदर आता हूँ, लेकिन अभी मेरे को छोड़ के टोटल तीन बंदे और अलाइव है। लेफ्ट साइड में दो बंदों की फाइट होती है, दूसरे वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल के यहाँ पे लास्ट में 1v1 का सिचुएशन था एंड लास्ट वाला बंदा मेरे को पता था, जिस बंदे को मैंने पहले डैमेज दिया था राइट साइड में स्मोक वाला, वही बंदा है। एंड यहाँ पे हमेशा की तरह लास्ट वाला जोन सामने वाले बंदे पे बन गया था, तो भी यहाँ पे धीरे धीरे लेट लेट के मैं जोन के अंदर आने का ट्राई करता हूँ। लेकिन ये वाले बंदे की लोकेशन का मेरे को कोई आइडिया लग नहीं रहा था, तो जोन के अंदर जाने से पहले रैंडम सामने वाली साइड पे नेड मोली करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि यार थोड़ा बहुत बंदा डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे पहले तो मेरे को लगा था बंदा सेंटर वाले घास में आके लेट रखा है, लेकिन तभी बंदा राइट साइड में मेरे को स्पॉट हो जाता है। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे लास्ट में इजी फिनिश कर दिया। एंड ये वाले गेम की बात करूँ तो ये वाले गेम में अपने को 7 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था। बाकी आप में से जो लोग अभी एस मास्टर पे 100 पॉइंट, एस वालों के लिए 200 पॉइंट का आपका कल का टारगेट रहेगा। तो गेम प्लेस अगर आपको थोड़े से अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको ऐसे ही रैंक वन असली कॉन्कर लॉबी के गेम प्लेस देखना पसंद हो तो सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। एंड नीचे मैं ट्रिपल कॉन्कर वाले यूट्यूबर का लिंक भी दे दूंगा, तो जाके यार अपनी साइड से भाई को भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। 10K के काफी ज्यादा क्लोज है, तो जाके भाई के 10K कंप्लीट करवाओ। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।